हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम बेटा मैंने आपके पास एक शीट भेजी थी कंस्ट्रेंट मोशन की, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये था आपके पास, उसमें कुछ इस तरीके का सिस्टम आपको गिवन है जिसमें एक फिक्स पुली है और एक ऐसी पुली है मूवेबल पुली है। ए ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, बी ब्लॉक 3 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जा रहा है, सी की वेलोसिटी आपको बतानी है। देखिए ए कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये 1 सेकेंड में कितना ऊपर चला जाएगा, 2 चला जाएगा। अगर ये 2 चला जाएगा तो रस्सी तो बेटा कांस्टेंट है, तो ये रस्सी 2 नीचे आ जाएगी, क्लियर है। और रस्सी नीचे आ जाएगी तो क्रॉसपोंडिंगली पुली भी नीचे आ जाएगी। कितनी नीचे आ जाएगी पुली, 2 नीचे आ जाएगी, समझ रहे हो बात। 2 ये ऊपर गया तो ये रस्सी 2 नीचे और क्रॉसपोंडिंगली पुली भी 2 नीचे। अब 2 नीचे आने से हुआ क्या, 2 इधर से रस्सी खाली हो गई और 2 रस्सी इधर से खाली हो गई, अल्टीमेटली 4 मीटर आपके पास क्या हो गया, खाली हो गया रस्सी का, ठीक है। ये कितने से नीचे जा रहा है, 3 से, 4 खाली हुई उसमें से 3 इसको चाहिए, समझ आई बात आपको। तो अल्टीमेटली आपके पास बचा कितना, 1 मीटर, और वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो सी नीचे जाएगा कितनी स्पीड से बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। दोबारा बता रहा हूँ, 4 खाली हुई, 3 इसको मिल गई क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट 3 है, 1 बची हुई है वो किसको मिल जाएगी, सी को, 1 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हालांकि जो क्वेश्चन शीट है उसमें इसकी डायरेक्शन ऊपर दिखा रखी है, क्लियर है, तो ऊपर नहीं आएगी, वो मिस्टेक है, आपकी डायरेक्शन क्या आएगी, नीचे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे बेटा, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ब्लॉक ए इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये जो बी ब्लॉक है 6 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सी की वेलोसिटी बताइए। देखिए ये 4 आएगा, 4 मीटर अगर ये चला 1 सेकंड में, तो अल्टीमेटली ये रस्सी भी 4 नीचे जाएगी और ये पुली कितनी नीचे आ जाएगी, 4 इधर आ जाएगी, क्लियर है। तो इधर से 4 खाली, इधर से 4 खाली, कितना खाली हो गया बेटा, 8 मीटर खाली हो गया आपके पास। बी 6 से ऊपर जा रहा है, 8 पहले से खाली और 6 से ऊपर ये जा रहा है, तो ये कितने से जाएगी बेटा, 14 मीटर पर सेकंड। ये 8 भी इधर की तरफ आएगा और ये 6 भी इसको इधर की तरफ मिलेगा, 8 + 6 14 मीटर पर सेकंड, क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये ए ब्लॉक है, ये कितने से जा रहा है इधर, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो बी ब्लॉक की वेलोसिटी बताइए। ये 4 से नीचे जाएगा तो ये रस्सी भी अल्टीमेटली कितने से नीचे जाएगी, 4 से नीचे जाएगी, क्लियर है बात आपको। अब देखो ये रस्सी तो फिक्स है बेटा, क्लियर है, तो होगा क्या, ये रस्सी 4 इसको यूज होना किसी भी तरीके से, ये फ्री हो जाएगी वरना, तो ये 4 कुछ इस तरीके से जाएगी कि ये 2 इधर और ये 2 इधर, सच डेट पुल इधर आ जाए, क्लियर है बात आपको। ये 4 जो आई मेरे पास वो 2 इधर कंज्यूम हो गई, 2 इधर कंज्यूम हो गई, तो अल्टीमेटली पुली कितने नीचे आई, 2 नीचे आई, और जितना पुली नीचे आएगी उतना ही ये ब्लॉक नीचे जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी हो गई बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है बात, नोट कर ले, फिर आगे डिस्कस करते हैं। बेटा अगर आपको इस तरीके से मोशन को ऑब्जर्व करने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, VP = V1 + V2/2। ये क्या है सर, दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ पुली एंड इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है बात। अब इस फॉर्मूले को लगाते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो है साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन अगर ऊपर की तरफ है वेलोसिटी किसी भी, तो उसको मैं पॉजिटिव लूँगा, अगर नीचे की तरफ है तो क्या लूँगा, नेगेटिव लूँगा, ठीक है। कैसे लगा सकते हैं इसको, ज़रा ध्यान से सोचिए, जब ये ब्लॉक 2 ऊपर आएगा तो ये पुली नीचे जाएगी, क्लियर है, कितने से जाएगी, 2 से जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ पुली आपको पता चल गई कितनी है, -2 है, क्लियर है बात आपको। अच्छा जी, ये अगले ने दे रखा है ये नीचे से जा, नीचे की तरफ जा रहा है, कितने से जा रहा है, -3 मीटर पर सेकंड से, तो ये -3, V1 कितना हो गया आपका, -3, V2 को आप मान लो पॉजिटिव, मतलब आपने माना कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लियर हो रही है बात आपको, आपने अपनी तरफ से ज़ूम कर लिया डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और डिवाइडेड बाय टू, क्लियर है, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 = -3 + V, तो ये इधर आया तो कितना हो जाएगा बेटा, -1 = V, -1 का मतलब जो आपने डायरेक्शन मानी है उसका उल्टा होगा, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, उसका अपोजिट, क्लियर है। तो आप देखो कि इस तरीके से जस्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करने से भी आपका आंसर आ गया है। अब जितने भी आगे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके ऊपर सबके लिए वैलिड है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये 4 से नीचे आएगा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी है मेरे पास, -4 मीटर पर सेकंड है, क्लियर है बात आपको। बी की वेलोसिटी 6 है, तो आप फॉर्मूला लगाइए, VP = V1 + V2/2, VP कितनी दे रखी है आपको, -4 दे रखी है, V1 कितनी दे रखी है बेटा, 6 दे रखी है, प्लस V2 मैंने मान लिया है कि ऊपर की तरफ है, क्लियर है बात आपको, एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -8, ठीक है कि नहीं बात, उधर जाकर, और ये 6 भी उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, -6, डेट विल बी -14, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जो डायरेक्शन मानी है उसका अपोजिट, तो डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी,
क्लियर है। इस क्वेश्चन में भी आप कर सकते हो, देखो ध्यान से देखो, ये चार इधर से आ रहा है तो ये रस्सी नीचे कितने से जाएगी, चार से जाएगी, क्लियर है बात। तो ये वेलोसिटी इस रस्सी की चार है। अब ये तो फिक्स है बेटा, ये मूव नहीं कर सकती, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ पुली आपको निकालनी है और वही वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी होगी बेटा आपकी, अगर इसको नेगेटिव मानूं मैं नीचे की तरफ, तो ये माइनस चार प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू, क्लियर है बात आपको। तो ये आपका वीपी कितना आ जाएगा, माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो वीपी कितना आ गया, दो आ गया, क्लियर है कि नहीं बात आपको। प्लस दो आया, इसका क्या मतलब है, ठीक है नोट कर लो इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का सिस्टम आपको गिवन है बेटा, ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा है और ये ब्लॉक 6 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बताइए। चलिए अब आप कर सकते हैं ध्यान से, देखिए मैं तो अपने जनरल मोशन को देखूंगा, आप वी पी इजिकल टू वी वन प्लस वी टू डिवाइड बाई टू कर सकते हो, ठीक है। अगर ये दो जा रहा है इधर, समझो आप, तो इधर से दो रस्सी खाली हुई, क्लियर है बात आपको, ठीक है। इधर से रस्सी कितनी खाली, दो। अगर ये सिक्स नीचे आ रहा है तो पुली भी सिक्स नीचे आएगी, क्योंकि इसके साथ पुली अटैच है, तो पुली सिक्स नीचे आएगी, तो पुली को कितना चाहिएगा, सिक्स इधर से चाहिएगा और सिक्स इधर से चाहिएगा, बारह मांगती है पुली और मिल कितना रहा है, दो। तो दो दस कौन प्रोवाइड कराएगा, ये भाई साहब प्रोवाइड करवाएंगे, क्लियर है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। अब आप वीपी वाला फॉर्मूला उससे भी निकाल सकते हो, देखो कैसे, वीपी अपने को ये निकालना है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी अगर आपको पता है नीचे की तरफ हो जाएगी कितनी, दो, इसकी भी मान ली मैंने, क्लियर है बात, लेट इसकी वी हो गई, क्लियर है। तो आपको पता है वीपी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू डिवाइड, ओ सॉरी, इक्वल टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। पुली के साथ जो भी स्ट्रिंग अटैच है उसको देखना आपको, क्लियर है बात। तो देखो जरा ध्यान से, वीपी कितना है बेटा आपका, सिक्स है, माइनस सिक्स लूँगा, हाँ के ना, और ये कितना हो जाएगा, माइनस टू माइनस वी डिवाइडेड बाय टू, क्लियर है। तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बारह, और इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वी, इधर जाएगा तो ये माइनस दस और माइनस वी, क्लियर है कि नहीं बात। तो वी कितना आ गया आपके पास, दस। तो ये ब्लॉक भी इस तरीके से नीचे आएगा, क्योंकि ये साइन कैसे कह रहा है मेरा, पॉजिटिव है, क्लियर है बात आपको, ओके जी। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये ब्लॉक पाँच से इस तरफ जा रहा है, तो क्या पुली भी पाँच से इस तरफ जाएगी, हाँ के ना। तो रस्सी कितनी चाहिएगी इसको, पाँच इधर और पाँच इधर बेटा, दस चाहिएगी, क्लियर है बात आपको। और ये भाई साहब कितनी प्रोवाइड करवा रहे हैं, दो प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। तो ये भाई साहब कितनी प्रोवाइड करवाएंगे, बोलो, वो करवाएंगे कितनी आपकी, आठ। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, आठ मीटर पर सेकेंड। क्या इसके लिए भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, वही वाला अपने हिसाब से करना, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना और एक डायरेक्शन को क्या मान लेना, नेगेटिव मान लेना, ठीक है। अभी तक तो आपने इस डायरेक्शन में काम किया, तो इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो, या अपोजिट कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, ये ब्लॉक ऊपर दो से जा रहा है और ये ब्लॉक तीन से नीचे आ रहा है, ठीक है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये दो से जाए और ये तीन से आए, रस्सी तो एक ही है, तो अल्टीमेटली पुली थोड़ी सी ऊपर नीचे आई होगी। चलो देखते हैं, अगर ये दो से ऊपर जा रहा है और ये तीन से नीचे जा रहा है, तो इसको एक रस्सी एक्स्ट्रा चाहिएगी, और एक रस्सी एक्स्ट्रा कौन प्रोवाइड करवाएगी, ये वाली प्रोवाइड करवाएगी। कैसे प्रोवाइड कराएगी, थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, नीचे कैसे आ जाएगी, मान लो ये 0.5 नीचे आ गई, तो आधा इधर से खाली, आधा इधर से खाली, एक खाली हो गया और वही ले लेगी, क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको। तो पुली आधा नीचे आई, तो ये पुली आधा ऊपर चली जाएगी, हाँ के ना यार, क्लियर है। तो ये पुली आधा ऊपर चली गई है, ये चार से नीचे आ रहा है, ध्यान से सुनो आप, ये अगर आधा ऊपर चली गई तो इसको कितनी रस्सी चाहिएगी, देखो जरा ध्यान से, आधी इधर चाहिएगी और आधी इधर चाहिएगी, और ये यही रस्सियाँ प्रोवाइड करवाएंगी, क्लियर है। और ये चार से नीचे आ रहा है, एक तो रस्सी ये पुली मांग रही है, और ये कितना मांग रहा है, चार मांग रहा है। तो भैया ये कितना प्रोवाइड कराएगा, पाँच प्रोवाइड कराएगा, एक पुली का अक्रॉस कंज्यूम हो जाएगी और चार इसको मिल जाएगी, क्लियर है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, पाँच मीटर पर सेकंड, क्लियर है। तो सारे क्वेश्चन आप करके देखो, वीपी इजिकल टू वी वन प्लस वी टू डिवाइड बाई टू से, ठीक है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके का सिस्टम आपको गिवन है, ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ये छोटे वाला ब्लॉक कितनी स्पीड से नीचे आएगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, याद करो, मैंने इसमें देखो तीन पॉइंट बताए थे, इसको लेट पॉइंट वन दे दो, इसको पॉइंट टू दे दो, इसको पॉइंट थ्री दे दो। तो वन अगर दो से ऊपर जाएगा तो वो इस रस्सी को दो को नीचे फेंकेगा, और नीचे फेंकेगा तो पुली दो नीचे आएगी, हाँ के ना। तो दो खाली हो गया इधर और दो खाली हो गया इधर, तो एक पॉइंट की वजह से, पॉइंट एक की वजह से कितना खाली हुआ, चार खाली हुआ, क्लियर है बात आपको। अब देखिए दो पॉइंट, दो पॉइंट भी दो मीटर ऊपर जाएगा और इस रस्सी से सहारे चलते हुए इधर की तरफ दो नीचे और दे देगा, तो पॉइंट टू की वजह से कितना खाली हुआ, टू खाली हुआ।
भाई चार तो इसकी वजह से खाली और दो इसकी वजह से खाली, तो अल्टीमेटली ये पुली छह नीचे आएगी। हाँ के ना यार, क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात? तो छह नीचे आएगी, तो आप कह सकते हैं कि ओ ये तीन भी तो जाएगा भी, तो पॉइंट तीन भी तो ऊपर जा रहा है दो से, क्लियर है बात आपको? तो 12 तो ये और दो ये, 14 आंसर आ गया यार। हाँ के ना, दोबारा समझो, एक पॉइंट दो ऊपर गया तो इसने इस पुली को नीचे फेंक दिया, तो इधर भी दो खाली और इधर भी दो खाली, क्लियर है बात? तो नेट कितना खाली? चार खाली यार, एक्स्ट्रा हो गया मेरे पास, समझ रहे हो? दो की वजह से भी खाली हो गया, कितना गया? दो खाली हो गया, क्योंकि दो ऊपर उठेगा तो दो नीचे आएगा, तो अल्टीमेटली ये वाली चार और इस वाली दो इसको छह नीचे फेंकेंगी। हाँ के ना यार, ठीक है कि नहीं बात? आपको छह नीचे फेंकेंगी, तो इधर से भी छह खाली हो गया और इधर से भी छह खाली हो गया, टोटल 12 खाली हो गया। अब लेकिन ये पॉइंट तीन भी तो ऊपर उठेगा दो, तो 12 प्लस दो 14 आंसर आएगा यार। हाँ के ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपको दे रखा है और ये छोटे वाला ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड नीचे आ गया, तो बताइए बड़े वाला ब्लॉक कितना इधर की तरफ भागेगा, क्लियर है? चलो भाई अब देख लेते हैं इसको। देखिए आप इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, जिसकी वेलोसिटी निकालनी है उसको क्या कर लो, मूव करता हुआ जूम करो, लेट ये एक्स इधर गया, क्लियर है बात आपको? तो आप क्या करो कि ये ब्लॉक मूव करेगा तो अल्टीमेटली पुली भी मूव करेगी और ये चीज़ यहाँ आ जाएगी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एक तो ये रस्सी खाली हो गई x और एक ये रस्सी खाली हो गई, क्लियर है बात? अब बेटा जो बच्चे भूल जाते हैं, देखो ये बीच में भी तो रस्सी कनेक्ट थी, अगर ये ब्लॉक आगे आ गया तो ये रस्सी भी खाली हो जाएगी, ये तो खाली होंगी ही होंगी, ये रस्सी भी खाली होगी बीच वाली, देखो, और वो भी अल्टीमेटली किसको मिलेगी, इस भाई साहब को मिलेगी, क्लियर है? तो मतलब अगर ये x चला तो ये कितना चला, 3x चला यार। दोबारा देखो, ये इधर आ गया तो x ये खाली, x ये खाली, अरे ये बीच में भी तो रस्सी थी, इसको मत भूलो, ये भी तो खाली होगी यार, तो 3x रस्सी इधर को मिलेगी, किसको मिलेगी, इस वाले ब्लॉक को मिलेगी। अब 3x by t कितना हो जाएगा भाई साहब, आपका 4 हो जाएगा, तो x by t कितना हो जाएगा, 4/3, यू विल गेट योर आंसर, यस और नो? क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो कि ये ब्लॉक की अगर आपसे वेलोसिटी पूछे तो ये ब्लॉक तो चलने वाला नहीं है, ये ब्लॉक चल रहा है, ये तो रस्सी प्रोवाइड करवा रहा है, ये रुका हुआ और ये चल रहा है, क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? ठीक है, अच्छा जी, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा क्या इसको पुली वाले मेथड से सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखो, ये चार से चल रही है तो अल्टीमेटली ये रस्सी कितने से चलेगी, चार से चलेगी, और जितना ये चलेगी उतना ही इसको चलना पड़ेगा, मजबूरी है भाई, इसको भी चार से चलना पड़ेगा, और ये चार से चलेगी तो अल्टीमेटली ये कितने से चलेगी, चार से चलेगी। ध्यान से देखो, ये चार से इधर की तरफ तो ये रस्सी इधर की तरफ, ये रस्सी इधर की तरफ और ये रस्सी इधर की तरफ, तो ये रस्सी इधर की तरफ, क्लियर है बात आपको? अब पुली वाला मेथड लगा दो, वेलोसिटी ऑफ पुली, लेट दिस डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन विल बी नेगेटिव, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी हो जाएगी आपका, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो चार ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और डिवाइडेड बाय 3 आ गया कि नहीं आ गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी, 4/3, ठीक है, सॉरी ये से ये कट गया, उल्टा ये हो गया, ये बच गया, क्लियर है बात? तो 4/3, तो आप देखो, या आप बोलोगे तो सर वो आपने तो v1+v2 बताया था डिवाइडेड बाय 2, अरे यार जितनी नंबर ऑफ उसके साथ स्ट्रिंग कनेक्ट है उतनी सबकी वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय उतना नंबर, क्लियर है कि नहीं बात आपको? चलिए अब कुछ क्वेश्चन आपके आए थे स्टूडेंट्स के डाउट, उनको डिस्कस कर लेता हूं मैं आपके साथ, ठीक है। क्वेश्चन ये है, जरा ध्यान से देखो और आप लोग को ट्राई करो इसको, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो u=24 m/s से चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी लगा लो यार, ठीक है, और t=0 से चल रहा है, t=1 तक वो इसी स्पीड से, डेट इज कॉन्स्टेंट स्पीड से चलता रहा, क्लियर है बात आपको? और जैसे ही वो t=1 पर पहुंचा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगने लग गया, इस डायरेक्शन में कितना, 6 m/s², क्लियर है? तो t=11 पर उसकी पोजीशन बतानी है, किसकी बतानी है, पोजीशन पार्टिकल की, क्लियर है बात? चलिए कैसे कर सकते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, आप गलती क्या करते हैं बच्चे, देखो इस समय तक एक्सेलरेशन मोशन नहीं है, तो अगर मैं बात करूं t=1 पर उसकी पोजीशन कितनी होगी, पोजीशन यहाँ पर x=0 है, हाँ के ना, और यहाँ पर कितनी होगी, अरे जितनी उसने डिस्टेंस कवर कर ली यार, डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, 24 से चला था और एक सेकेंड के लिए चला, तो डिस्टेंस यही होगी, मैंने क्या लगाया, v × t लगाया, क्लियर है बात आपको? तो t=1 पर x=24 पर है वो, क्लियर है बात? अरे हाँ ना बोल, ठीक है, तो अब t=11 पर पोजीशन बतानी है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन कितनी है, 24, ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, s=ut + 1/2 at², क्लियर है?
अब ये बताता था आपको क्या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन अब इसकी कितनी है बेटा 24 है, फाइनल पोजीशन मेरे को निकालनी है। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर भी 24 थी क्योंकि 24 से तो चलता हुआ आ रहा है ये, तो 24। अब समय कितना हो गया 1 से लेके 11 10 सेकंड हो गया, हाँ के ना यार, ठीक है जी, प्लस हाफ ए, ए उस डायरेक्शन में तो माइनस 6 लगेगा और इंटू 10 का स्क्वेयर, सोल्व कर लेना x2 निकल जाएगा आपका माइनस 36। क्लियर है बात। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, एक आपको वेज दे रखा है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रख रखा है, ठीक है, और इस वेज का एंगल लेट थीटा मान लिया मैंने, तो टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी इज इक्वल टू 1 तक, मतलब जब ये मैंने देखना है इसको स्टार्ट किया और एक सेकंड तक इसने डिस्टेंस कवर की 1 मीटर, कितनी कवर की 1 मीटर, ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 2 ये रहा, तो ये डिस्टेंस बतानी है, मतलब 1 से 2 के बीच की डिस्टेंस बतानी है। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार, ठीक है। अगर हम देखें ये मेरा फर्स्ट सेकंड और ये मेरा कैसा सेकंड, सेकंड सेकंड, क्लियर हो रही है बात, ओके। अच्छा बेटा जी थोड़ा सा ध्यान से देखते जाओ, ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, आपको पता है वेट हमेशा नीचे लगता है, अरे हाँ के ना, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगती है आपकी, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, वेक्टर को याद करो, सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। और अगर मैं इसको कंपोनेंट को रिजोल्व करूँ, इसको पीछे बढ़ाऊँ, तो ये थीटा, तो ये भी क्या होता था थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना एम जी कोस थीटा और ये कंपोनेंट कितना एम जी साइन थीटा, ये सारी बातें हो चुकी हैं भूलना मत। तो मतलब इस ब्लॉक को इस तरफ ले जाने वाला जो फोर्स है वो कौन है एम जी साइन थीटा, तो मोशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है एम जी साइन थीटा। और आपको पता है कि फोर्स होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास से मास कट गया, तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है जी साइन थीटा। तो बस हो गया क्वेश्चन सोल्व, आपको बस एक्सेलरेशन ही पता करना था इस डायरेक्शन में कितना है, और वो आपको याद भी होना चाहिए कितना होता है जी साइन थीटा। अब एस एन एथ वाला फॉर्मूला लगा दो आप, एस एन एथ, एस एन एथ क्या है यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, क्लियर है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो दे रखी है क्वेश्चन में, क्लियर है, तो ये तो टर्म जीरो। एक्सेलरेशन कितना हो गया जी साइन थीटा बाय टू, पहला सेकंड है, ये पहला सेकंड है, एन की जगह वन पुट करूंगा तो आपके पास कितना आ गया टू माइनस वन वन, और ये कितनी दे रखी है एस एन एथ 1 मीटर दे रखी है, तो जी साइन थीटा बेटा जी कितना आ गया 2 आ गया, क्लियर है बात, ठीक है। अब सेकंड सेकंड के लिए लगा दो यार, क्या दिक्कत है, एस एन एथ यहाँ लगा दो क्या, उधर वो आ जाएगा कैन मास्टर, एस एन एथ क्या होगा यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, वही फार्मूला, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, अब लेकिन एन की जगह क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे, और ए की जगह आप एक्चुअली में आता क्या जी साइन थीटा, और जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2 है, तो एस एन एथ क्या हो जाएगा 2/2, और ये आपका 2 पुट करोगे तो 2 × 2 = 4 − 1 = 3, तो एस ये डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा 3 आ गई, क्लियर है। अच्छा एक डाउट और, वो डाटा मेरे को याद नहीं है यार, वो मोबाइल में है और मोबाइल लगा हुआ है रिकॉर्डिंग पे, तो मैं उसका जस्ट आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, हिंट दे दूंगा उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखो आप। कह रहा है कि एक नाव है और नाव पर एक झंडा लगा हुआ है, क्लियर है, और ये डायरेक्शन दिखा देता हूँ पहले मैं आपको, ये आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है, और हवा चल रही है, और जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी उसी डायरेक्शन में झंडा अब लहराएगा यार, तो हवा चल रही है नॉर्थ ईस्ट में, तो झंडा भी इस डायरेक्शन में लहरा रहा है, क्लियर है बात, ठीक है जी, और हवा की कुछ स्पीड दे रखी है और उसी स्पीड से झंडा भी लहराएगा, लेट अब याद नहीं है मेरे को, मैं एक्स मीटर पर सेकंड मान लेता हूँ, क्लियर है बात, ठीक है। कह रहा है कि अब नाव चल पड़ी, नाव चल पड़ी लेट वाई से, भाई ये एक्स वाई कुछ वैल्यू है वो आप देख लेना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, वो है मीटर पर सेकंड से नाव चल पड़ी, तो अब कह रहा है कि आप बताइए कि झंडा किस डायरेक्शन में लहराएगा, तो आप देखो आप क्वेश्चन को समझो ध्यान से, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि झंडा इनिशियली उसी डायरेक्शन में लहरा रहा है जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, मतलब झंडा लहरा रहा है विद रिस्पेक्ट टू विंड, अब नाव चलने लग गई और हवा चल रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि झंडा उस डायरेक्शन में लहराएगा जिस डायरेक्शन में विंड की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू बोट, ये बात ध्यान से सुन लो, अब झंडा उस डायरेक्शन में लहराएगा जिस डायरेक्शन में विंड की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू बोट, अरे पहले तो बोट चली नहीं रही थी यार, ठीक है चलो, तो अभी आपने को निकालना है वेलोसिटी ऑफ विंड, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ विंड है, ये एक्स क्या है वेलोसिटी ऑफ विंड, विंड विंड, ठीक है, तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट, ठीक है। तो बेटा जी इसका तो मतलब आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी है,
तो वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है अपने को, हाँ के ना। इस डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन निकाल लूँ तो मेरा काम खत्म, इस डायरेक्शन में झंडा लहराएगा। ओके, ये कैसे निकालते हैं, ये तो वेक्टर क्या है, सबट्रैक्शन, इसको उल्टा कर दो बोट को, हाँ के ना। लेट दिस विल बी वाई। पहले ये एंगल कितना है, बीचों बीच हवा चल रही, नॉर्थ ईस्ट का मतलब एंगल 45, यस और नो। अब आपको इन दो वेक्टर का क्या देखना है बेटा, वेक्टर एडिशन, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है, वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, क्लियर है, दिस इज वेक्टर एडिशन, यस और नो, ठीक है। तो अब अपने को इन दोनों का वेक्टर एडिशन देखना है बेटा जी। देखो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया, क्लियर है, हो रही है कि नहीं हो रही है हर बात, ठीक है। अभी इनका रिजल्टेंट लेट मान लिया मैंने, अगर मैं इसका क्या बनाऊं, आपका एक पैरेललोग्राम बनाऊं, तो लेट ये आएगा, ये आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया, क्लियर हो रही है बात आपको। और रिजल्टेंट की मैं इस पर्टिकुलर विंड के साथ डायरेक्शन देख लूँगा अल्फ़ा, तो टेंजेंट अल्फ़ा का फॉर्मूला आपको पता है, जिसके साथ एंगल बनाए वो नीचे आएगा, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड नीचे आएगी। और इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा, इसका आएगा आपका साइन कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ बोट का साइन कंपोनेंट, साइन थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट कोस कंपोनेंट, क्लियर है बात आपको, समझ में आई बात। ये थीटा कितना है, ये 135 है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 135 है। ये आपको दे रखी है, जो मैंने मानी है कितनी y, ये आपको दे रखी है x, ये y है और ये 135 है। क्या आप टेंजेंट अल्फा निकाल लोगे, तो फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि टेंजेंट के किस एंगल पर ये आंसर आता है, क्लियर है बात आपको। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और इंटरेस्टिंग रही होगी आपके लिए। अच्छा, जो शॉर्टकट मेथड है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको मोशन को देखना आना चाहिए। अब कुछ और क्वेश्चन भेजूंगा मैं आपके पास कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड, उसको सोल्व आप करेंगे, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।